जो आप डेवलपर प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे गूगल की तरफ से फेसबुक की तरफ से और जो नए ग्रेजुएट्स हैं जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी तो से निकल रहे हैं तो व्हाट इज़ सो न्यू इन दिस प्रोग्राम्स एंड लोगों को क्यों जाना चाहिए इसमें अच्छा सबसे बड़ा इस ना मैं एक चीज़ कहूँगा कि आई विल अ मैं फ्राम अ बुक जो ना शो योर वर्क फ्राम ऑस्टिन क्लियन और उसमें यह था जैक समरी अगर हो तो ये हो कि हाउ डू पीपल नो हाउ गुड यू आर इफ दे डोंट इवन नो हु यू आर और इसके बिहाइंड ना मैं थोड़ी सी कहानी मैं जरा शुरू sure, कर देता sure, sure, तो हुआ क्या कि मेरी एक डिस्कशन हुई एक जिना एक सिलिकॉन वैली से एक इंजीनियर थे उनका नाम अहमद अवैस बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान में लिटरली ही इज़ द गुरु ऑफ यू नो डेवलपर टेक्नोलॉजीज और उनसे एक दफ़ा मेरी जूम पे बात हुई थी और उन्होंने बताया कि उस्मान जो करंट सिचुएशन है ना अबाउट मोस्ट पीपल इज़ दैट दे डोंट कंट्रीब्यूट या फिर वो अपने आप को शो नहीं करते अब लोग समझते हैं दैट माइट बी पर्सनल ब्रांडिंग लेकिन अगर हम टेक की बात करें या नॉन टेक की भी बात करें तो ये जो डेवलपर प्रोग्राम्स हैं इनका जो एक फ़ायदा रहा है वो ये है कि आप अपने आप को मार्केट में पुट करते हो सबसे बड़ा मसला क्या होता है वो एक साइकिल होता है कि जॉब चाहिए लेकिन पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए और वो एक कंप्लीट एक सर्कल बन रहा होता है तो आप हाँ उस चीज़ को कैसे ओवरकम करते हो उस गैप को तो मनी पीपल बिफोर मी अमेज़िंग पीपल साध हामिद हफ्सा मुनवर सामिया ख़ालिद ऑल ऑफ दिज अमेजिंग पीपल दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स यू नो दिस गूगल डिवेलपर प्रोग्राम मेटा डिवेल्पर सर्कल्स इस तरह की डिफरेंट चीज़ें स्टार्टअप का भी एक था एक प्रोग्राम और अभी भी है चल रहा है और अर्जिश जो हैं हमारे आ, बेहतरीन किस्म के आदमी हैं दे ही इज़ लीडिंग इट फ्रॉम द कंट्री लेवल Uh, स्टार्टअप ग्राइंड के नाम से तो इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स हैं और इससे होता क्या है कि कि ये आपको ना एक तो आपकी अपनी स्किल डेवलपमेंट करते हैं और एक तो ये है कि आपको मच्योर करते हैं फॉर दैट कॉर्पोरेट फॉर दैट कॉर्पोरेट इकोसिस्टम क्योंकि सबसे पहले यही होता है कि uh, पहले आपसे वो टेस्ट लेते हैं कि पहले आप जहाँ इन पर्सन कैसे हो आप काम करने में कैसे अच्छे हो तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं और इसके अलावा नॉट जस्ट प्रोग्राम बट देर ऑल्सो फेलोशिप्स सो मेजर um, कंपनी जैसे मेजर लीग हैकिंग और मतलब ये मेटा के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिसपे आप इंटर्नशिप्स कर रहे होते हो या फिर एक जिना ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हो और फिर आप कंट्रीब्यूट करते हो आपको पैसे मिलते हैं देर इज ऑल्सो प्रोग्राम कॉल्ड गूगल समर ऑफ कोड जिसमें आप लिटरली एक प्रोजेक्ट पर काम करते हो आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो फर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड दैन यू गेट पेड और के जो प्रोग्राम हैं, ये आपको इस पॉइंट पे लेके जाते हैं दैट व्हेन यू ग्रेजुएट यू आर यू नो रेडी टू इवन अप्लाई फॉर यूएस बेस्ड जॉब्स या फिर यू नो यूरोपियन जॉब्स तो लोग तो डायरेक्टली अपने आप को ऐसे यू you नो know, इंटीग्रेट अपने आप को ऐसे इनेबल कर देते हैं कि वो कल को जना कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में नहीं काम करना हमने ए, एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम करना है क्योंकि हमें पता है अब सिचुएशन क्या है डॉलर के साथ आ, मतलब हमारा जो करंट सिचुएशन है सो देर लाइक इतने जना बच्चे इतने वो क्लेवर हो गए हैं सो देर लाइक ए बिके नो कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस प्रोग्रामबल माई सेल्फ